अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुमेरा, आप देख रहे हैं कुकनोलॉजी। आज मैं बनाने वाली हूं बारबेक्यू पिज़्ज़ा, मगर ओवन के बगैर। मैं इसको बनाऊंगी चूल्हे पे, फ्राइंग पैन में। मेरे वो बहन भाई जो ओवन यूज़ नहीं करते, तो ये मज़ेदार पिज़्ज़ा वो भी बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। सिर्फ एक कप मैदा लिया, आधी चाय की चम्मच नमक और एक चाय का चम्मच चीनी ऐड की, और एक चाय का चम्मच ही मैंने एक्टिव ईस्ट ऐड किया है। बस अब इस तरीके से मिक्स किया और नीम गर्म पानी हल्का हल्का ऐड करके अच्छी सी डो बनानी है। सिर्फ एक कप मैदा लिया है इसलिए कि मुझे जो पिज़्ज़ा बेस है थोड़ी पतली बनानी है। ओवन में बनाती तो मैं थोड़ी मोटी भी बना सकती थी। दो खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया और अब भी अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। अच्छे तरीके से मुक्की देकर बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। जी, डो रेडी हो चुकी है। अभी बर्तन को भी थोड़ा सा ऑयल लगाऊँगी और इसमें ये डो रख के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे तरीके से कवर करके 45 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, तकरीबन 3-4 चम्मच। बोनलेस चिकन है, इसको मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स की सूरत में काट लिया है। 5-6 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया चिकन को मीडियम फ्लेम पे। एक चाय का चम्मच ऑरिगैनो ऐड किया, आधी चाय के चम्मच काली मिर्च, आधी चाय के चम्मच सुरख मिर्च और आधी चाय की चम्मच नमक ऐड किया, आधी चाय की चम्मच धड़ा मिर्च ऐड की। 4-5 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी। आधी चाय के चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है बारबेक्यू मसाला, एक खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, तकरीबन आधी चाय के चम्मच मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड की है। 2-3 मिनट के लिए मज़ीद मीडियम फ्लेम पे कुक किया। चिकन रेडी हो चुकी है, पिज़्ज़ा डो रेडी हो चुकी है। देखें, साइज़ डबल हो चुका है। थोड़ा मैदा स्प्रिंकल किया, डो को मैंने गोल बेल लिया है पैन के साइज़ के हिसाब से। फोक की मदद से छोटे छोटे होल्स किए। पैन को बिल्कुल लो फ्लेम पे प्री हीट किया है, इसमें मैं मक्खन लगाऊंगी। एहतियात से पिज़्ज़ा डो को पैन में फैलाया। 2-2.5 मिनट बाद मैंने इसको पलट दिया। दो ढाई मिनट बाद दोबारा पलटा। अब इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। आप सिंपल केचप या चिली सॉस भी लगा सकते हैं। ऊपर से चीज़ ऐड की, चिकन की जो टॉपिंग बनाई है वो ऐड की, शिमला मिर्च पतली पतली काट के ऐड की। इसी तरीके से पतले पतले टमाटर ऐड करने हैं बीजों के बगैर। ऊपर से मैंने प्याज ऐड कर दिया रिंग की सूरत में काट के। ऊपर से दोबारा चीज़ की लेयर बनेगी। थोड़ी सी चिकन बचा ली थी मैंने, वो ऐड की ताकि पिज़्ज़ा थोड़ा सा खूबसूरत लगे ऊपर से। इसी तरीके से थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से टमाटर और प्याज भी मैंने ऊपर से ऐड कर दिए ताकि पिज़्ज़ा दिखने में भी थोड़ा खूबसूरत लगे। देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पिज़्ज़ा। दिल कर रहा है कच्चा ही खा जाऊं। 35-40 मिनट कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है। देखें जी, मज़ेदार पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगैनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए। यम्मी टेस्टी बारबेक्यू पिज़्ज़ा रेडी है। कमेंट करके अपने फीडबैक से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।